तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है राइडर और एक वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बताया, ये साल एंड हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस साल के जो सबसे बेस्ट एनिमे है उनको रैंक किया जाए अपने एनिमे को। मतलब लाइक अपने मतलब मैंने बनाए वो नहीं जो मैंने देखे हैं या फिर जितने जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ऐसे पूरे एनिमे जो मैंने देखे भी नहीं या फिर गिने भी नहीं है, देख जानता नहीं हूँ, उनको नहीं लेने वाला हूँ जो मेरे पर्सनल अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से बेस्ट है वो। सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा डीमन स्लेयर को, या आई नो द एंडिंग वॉज प्रीटी ट्रैशी। बट मैं इसके एनिमे का वेट कर रहा था और बहुत से लोग कर रहे थे इनफैक्ट, और करना भी चाहिए बिकॉज द एनिमेशन वॉज लेट, द ओएसटी वॉज सुपर लेट। मतलब एक हर चीज जो वो एक चाहते हैं एक एनिमे से वो थी उस चीज में, थोड़े से प्लॉट को छोड़ के। तो या दैट सीरीज वॉज प्रीटी गुड। जो ये सीजन था वो देखने लायक था, काफी सारे फनी मोमेंट्स, काफी सारे लेजेंडरी फाइट और काफी सारे मतलब मस्त मस्त मोमेंट्स देखने को मिले। तो या इसको तो रखना इस लिस्ट में बनता है। लाइक और इज रिकॉल, इस एनिमे के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने इस लिस्ट में रखा होगा, बिकॉज क्यों नहीं, इसका कोई भी फैन बेस नहीं है। ये तो भी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बन गया 2022 का मेरे हिसाब से। देखो ये बहुत ही ओरिजिनल फॉर्मेट से आता है, लाइक इसकी कोई मांगा नहीं है, नॉवल्स नहीं, मतलब इसके पास ऑलरेडी कोई भी फैन बेस नहीं है, तो भी इसने बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया। और सच बता रहा हूँ, जैसे जैसे इसके एपिसोड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही सीरीज और अच्छी होती जाती है। पहले थोड़ी सी क्लीशेस लगती है, बट बिलीव मी, देखो बहुत प्यारी सीरीज है, बहुत अच्छे मोमेंट्स है। अगर आपको भरोसा मुझ पे नहीं होता अभी भी, तो या जाके कुछ एडिट्स देख लो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और तब आपको पता चल जाएगा कितना मस्त है ये सीरीज। नेक्स्ट इज बोइची दी रॉक। मतलब लाइक ये सीरीज को रखना एक और अंडररेटेड शो था, मतलब बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, बट या वन ऑफ द बेस्ट शो था इस साल का। व्हाई? बिकॉज ये देखो अब हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा खेल के निखरने वाले लोगों के बारे में, जो बाहर जाके कुछ भी कर सकते हैं, बोल पाते हैं, एक्स्ट्रावर्टेड लोगों के बारे में बन चुकी है। तो एक MC जो कि इंट्रोवर्टेड है उसको देखना एक बहुत ही फ्रेश एयर था मेरे लिए, मतलब एक बहुत ही न्यू इंटेक्ट मुझे लगा। मैंने बोइची दी रॉक को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, फन टू वॉच था और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था एटलीस्ट फॉर मी। तो या और ये एक अच्छे बजट के साथ इसको प्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज ऐसे एनिमे को ज़्यादातर सस्ते में निपटा के और बस एनिमेशन एडेप्टेशन कर दिया जाता है, बट ऐसा बोइची दी रॉक के साथ केस नहीं है। जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से है, वॉइस एक्टर्स अच्छे हैं, OSTs अच्छी है और एनिमेशन भी अच्छी है। तो अगर आपने नहीं देखा है, प्रीटी अंडररेटेड शो है इस साल का, आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट इज माय ड्रेसअप डार्लिंग, हेलो मैन ऑफ अ कल्चर्स। या ये एनिमे तुम्हारे लिए ही लिया है, बिकॉज देखो ये साल में इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई है, इसको नहीं लेता तो मेरे लिए वो शेम होता। तो या दोनों वीडियोस देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी मैं बस इतना कहूँगा, हिंदी डब है मैं अवेलेबल है ये क्रंची रोल पे, और आप इसको देख सकते हो। बहुत ज़्यादा फ्लुएंट एनिमे है, एची है, बट एक अच्छे टॉपिक को टच करता है, जिसे कि जो आपको पसंद है वो करते रहना चाहिए। तो या मेरे लिए ये एनिमे काफ़ी अच्छा था, तो इस साल में इसको जरूर रखना बनता है। और बाय द वे इसका सेकंड सीजन भी आने वाला है, वो कंफर्म हो चुका है, तो अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है सेकंड कैसे देखोगे, तो समझ गए ना क्या बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट अप इज कागुया सामा लव इज वॉर, अल्ट्रा रोमांटिक। ठीक है, ये है थर्ड सीजन के बारे में बात करूँ जो इस साल के स्टार्टिंग में ही आ गया था। बहुत प्यारा सीजन है भाई, बहुत प्यारा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला, बहुत सारे मस्त मोमेंट्स देखने को मिले। इसमें हमें कल्चर फेस्टिवल भी देखने को मिला जो स्कूल का था, आई लव दैट शिट, बिकॉज उसमें हमें एक मेड कैफे देखने को मिलता है, एक हॉरर हाउस देखने को मिलता है, मतलब एक हर एनिमे में हो तो भी। तो इसमें काफ़ी सही वो मोमेंट्स, बहुत प्यारे जो इसके साइड कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया गया, और मुझे पर्सनली ये बेस्ट रोम कॉम ऑफ दिस ईयर लगा है, तो मेरे हिसाब से तो ये वही है। और हाँ, इसको अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लो, बिकॉज इसका नेक्स्ट सीजन या मूवी भी कंफर्म हो चुकी है, तो वो भी जल्दी आने वाली है। और जिस मोमेंट पर ये एंड हुआ है, आई कांट वेट फॉर नेक्स्ट सीजन, और मैं इसकी मांगा को जरूर चेक करने वाला हूँ जल्दी। नेक्स्ट इज ओवरलॉर्ड सीजन 4th, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, ओके नो डाउट अबाउट इट, मैं लाइट नॉवल पे जाने वाला था, मुझे अब उम्मीद नहीं थी एनिमे आएगा, बहुत सालों से नहीं आया था, बट देखने को मिला, बहुत प्यारी चीज़ है, बिकॉज इतना सही चीज़ देखने को मिला है इसमें। बहुत से फैंस वेट कर रहे थे, और एक ओवर प्रोटेक्टेड वाइफू जिसके लिए मैं हमेशा देखता हूँ, अल्बेलो शायद मैंने नाम सही लिया है, तो उसके लिए देख लो, नहीं देखे हो तो फिर इसेकाई जॉनरा में ओवर पावर्ड MC जो कि स्केलेटन है और सब कुछ है उसके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है, एक अच्छा इसेकाई एनिमे है। अगर आपने नहीं देखा है, ट्राशी एनिमे जो आजकल आते हैं इसेकाई में वैसा नहीं, अगर आपने नहीं देखा है मेक श्योर इज माय फेवरेट। और समर डेरिंग, मुझे आपको बताया है डार्क शीट बहुत पसंद है, और इसमें है स्लाइस ऑफ लाइफ की हवा है, एक क्लीन स्टोरी है, बट इसमें जो है थोड़ा सा मिस्ट्री, डार्क सस्पेंस, थ्रिल मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इस एनिमे को इंगेजिंग और इंटीग्रिंग बना के रख देता है। और जो सबसे बेस्ट बात इस एनिमे की वो है कि इसमें
30 चैप्टर्स है इसकी मांगा में, मैंने बहुत पहले जान के रखा था ये बात। और ये एनिमे उन सबको कवर करता है, नो क्लिफ हैंगर्स या फिर कोई ऐसा नेक्स्ट पार्ट आएगा तब या इसका नेक्स्ट एनिमे पक्का पार्ट आएगा मूवी आएगी ऐसा कोई झंझट नहीं है, ठीक है। आपको बहुत क्लीन और रॉ एक्सपीरियंस मिलने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, बिकॉज आजकल ट्रेंड बन गया है कि जितने भी एनिमे आते हैं उनका नेक्स्ट सीजन में ही आपको स्टोरी पता चलती है, तो ये एक बहुत सही चीज़ करती है समर टाइम रेंडरिंग। तो इसको जरूर रीड करो, मतलब देखो, और आपको पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलेगा इसकी स्टोरी का। नेक्स्ट इज ब्लू लॉक, इसको देखो इस 4:10 में मत भूलो, ये एक सर्वाइवल मांगा है जो कि सॉकर को एज अ बैकग्राउंड में लेके चलती। एज अ मांगा रीडर आई हाईली रिकमेंड दिस सीरीज टू एनीवन, जस्ट डोंट कंपेयर दिस सीरीज विद आओ अशी और हाइक्यू, मतलब आपको इसको जस्ट कंपेयर नहीं करना दूसरे स्पोर्ट्स मांगा के साथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूनिक टच लेके जाती है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी जाती है क्योंकि इस मांगा का प्रीमियस ऐसा ही है। सो बस उसको इग्नोर करो और ये मांगा सीरीज बहुत सही। ये सीरीज स्लो स्टार्ट होती है बट बहुत जल्दी पिकअप करती है, तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा लगे कि ये भाई ट्रैश एनिमे है स्पोर्ट के नाम पे, ऐसा नहीं है, आप इसको आगे रीड करो। जैसे मैंने बताया मांगा रीडर होने के नाते बोल रहा हूँ, आगे देखने वो बहुत अमेजिंग चीज़ होने वाली। और इसी सेम स्पोर्ट पे एक और स्पोर्ट एनिमे को रखना है जिसका नाम है आओ अशी, आई गेस सही बोला है। तो ये स्पोर्ट एनिमे है सॉकर के बारे में, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक टर्म में रहता है, मैंने बहुत पहले देखा था, तो या इसके बारे में भी देख सकते हो। मांगा भी इसकी बहुत अमेजिंग है और काफ़ी हाईली रेटेड एनिमे में से एक है जो कि मैंने देखा है स्पोर्ट के ऊपर। तो या सॉकर अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक टर्म में जानना चाहते हो, ब्लू लॉक को छोड़ो और इसको समझ लो कि यही स्पोर्ट पर रख। नेक्स्ट इज मॉब साइको 100 सीजन 3 जो अभी अभी पब्लिश हो रहा है। मुझे हर सीजन पसंद है मॉब साइको का अब तक जितने भी आए हैं, और बहुत प्यारा है, ऐसे बहुत कम एनिमे है जो कि इतने सारे अमेजिंग चीज़ों को मिला के दे सकता है, जैसे एक्शन पैकेट बहुत ज़्यादा फनी और हार्ट फेल्ट मोमेंट्स, और स्पेशली जो इसका आर्टवर्क है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक है बाकी एनिमे के कंपैरिजन में। तो अगर आपने नहीं देखा है एक फ्रेश एयर हो सकता है एनिमेशन के मामले में, ज़रूर देखो। और मोस्टली ये जो है लास्ट सीजन भी होने वाला है मॉब साइको 100 का, तो थैंक्स मॉब हमें इतनी अमेजिंग चीज़ें दिखाने के लिए। एंड नेक्स्ट अप इज चेंसो मैन, सब ने एक्सपेक्ट किया होगा और इसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरे एनिमे कम्युनिटी पे चाहे वो इंडिया हो या कोई और देश हो तहलका मचा रखा है, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है सोशल मीडिया हो कहीं पे भी हो, कुछ नहीं बोलूंगा इसके शब्द में, एक शब्द नहीं बोला। नेक्स्ट पे मूव ऑफ कर निकलते हैं। सो हम अपने फाइनल मोमेंट्स पे आ चुके हैं, अब जो है सिर्फ दो एनिमे बचे पड़े हैं, ठीक है। तो अब दो में से जो फर्स्ट वन है वो है स्टोन ओशन जो एडवेंचर पार्ट 6। थैंक यू अकीरा सेंसे और डेविड प्रोडक्शन हमें इतनी कमाल की सीरीज देने के लिए कॉल्ड एज जोजोज ब्रिजार एडवेंचर। बताऊं तो फिर एज दी अदर मेन स्ट्रीम एनिमेज जो कि जोजो ब्रिजार एडवेंचर को कंपेयर करते हैं, जोजो ब्रिजार एडवेंचर को एनिमे की जरूरत नहीं थी फेमस होने के लिए, मेक श्योर टू मार्क दिस माय वर्ड्स, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लेजेंडरी चीज़ है कि उसका अगर एनिमे एडेप्टेशन नहीं होता तो भी वो बहुत ज़्यादा प्यारी और मेरे टॉप में होती। तो ऐसा सोच लो कि इसका एनिमे एडेप्टेशन आया है बट वो बहुत ज़्यादा घुमा के नेटफ्लिक्स ने दिया है, थैंक्स नेटफ्लिक्स फॉर डैट कि मतलब एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया है, बट जो भी हो हमें एंडिंग देखने को मिल गई फाइनली। वैसे इसके ऊपर वीडियो आएगी तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ जाओ जोजो ब्रिजार एडवेंचर फैन हो ये बेस्ट पार्ट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। एंड एट लास्ट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एनिमे में से एक ब्लीच, 1000 ईयर ब्लड वर्क आर्क ऑफकोर्स जो कि इस साल में आया है, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मुझे कितनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है इस एनिमे का एडेप्टेशन देख के, और जब अब लोग अप्रिशिएट इस एनिमे को कर रहे हैं तब, बिकॉज इससे पहले मजाक नहीं कर रहा हूँ इतनी शिटी बातें इस सीरीज़ के बारे में हो चुकी है मेरे सामने कि मुझे नहीं झेलना होता था, बट अब सबकी बोलती बंद हो गई है और ये सभी ब्लीच फैंस के लिए सेम है, अब जो है ना अपनी ब्लीच फुल ग्लोरी ले रहा है जो कि वो डिजर्व करता है। और भी बहुत ज़्यादा मस्त टचअप्स हैं इसमें, जैसे कि ऑथर ने इसके कहा है कि इसके एनिमे में कुछ ऐसे सीन्स होने वाले थे जो कि वो मांगा में ऐड करने वाले थे, तो वो भी देखने को मिलने वाले हैं। और भी कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि इसके जो लास्ट एपिसोड के वो जो हैं एक एक घंटे के होने वाले हैं, 12th and 13th आई गेस। सो मतलब ब्लीच के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है और जो चीज़ है वो बस बेटर और बेटर होती जा रही है ब्लीच के मामले में, और देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग इट। तो मतलब कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, ब्लीच वन ऑफ द बेस्ट और टॉप रैंक करने वाला है मेरी इस लिस्ट में और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिस्ट में। आप लोग के फेवरेट एनिमे कौन से हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जान के। और या इस वीडियो का एंड करते हैं, चलो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एनिमे देखते रहें, मांगा रीड करते रहें, और हाँ बाय बाय।